मुसलमान शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकता है, कयामत तक इसमें संशोधन नहीं हो सकता है और मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। यह बयान आया है जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही हैं। और इन्हीं खबरों के बीच अब मुस्लिम संगठन भी एकजुट होने लगे हैं इसे लेकर। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया था, उन्होंने बाकायदा लॉ कमीशन को अपनी चिंताएं भेज दी थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यस और नो में जवाब मांगे गए हैं, हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। उन्होंने भी शरीयत का ही हवाला दिया था, लेकिन अब जमीयत उलेमाए हिंद का भी इस मामले को लेकर बयान आया है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल मुसलमानों के बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से भी यूसीसी को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी गई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह आपत्तियां मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में दर्ज कराई गई हैं, जिसमें यूसीसी को लेकर कई मुद्दों पर असहमति जताई गई है और कहा गया है कि यूसीसी शरीयत के खिलाफ है। संगठन की तरफ से साफ किया गया है कि ऐसा कोई भी कानून जो शरीयत के खिलाफ हो उसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को देश की एकता के लिए खतरा बताया था, जबकि जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लोगों से अपील जरूर की है कि वो सड़कों पर ना उतरें। और अब इस मामले को लेकर कहा जा रहा है इस पूरी लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। इसके अलावा जमीयत ने यूसीसी का विरोध करते हुए एक और तर्क रखा, जिसमें कहा कि भारतीय संविधान में मिली धर्म के पालन करने की आजादी के ये खिलाफ है, ये लोगों से उनकी धार्मिक आजादी को छीनता है। संगठन ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत से बना है, इसलिए इसमें कयामत तक संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये वही बयान है जो इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिया गया था, उसमें भी कहा गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो कुरान और सुन्नत से बना हुआ है। उसी तरीके से जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से भी कहा गया है कि इसमें कयामत तक संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके बाद जमीयत, धीरे धीरे तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से यूसीसी को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि इन आपत्तियों को ऐसे वक्त में दर्ज कराया जा रहा है जिसमें यूसीसी किस तरीके से बनकर आएगा या उसका स्वरूप क्या होगा ये अब तक साफ नहीं है। मान लिया गया है कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ ही होगा और शायद इसी वजह से इन आपत्तियों को दर्ज कराया जा रहा है। हालांकि 14 जुलाई तक का वक्त दिया गया है, जिनको भी अपने सुझाव देने हैं तमाम धार्मिक संगठनों समेत उनके सुझाव पहुंचेंगे। इसके बाद खबर यह भी है कि जब मॉनसून सेशन शुरू होगा तो उसमें सरकार यूसीसी को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। उस कदम के बीच में मुस्लिम संगठनों ने जो आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामिक कानून के साथ कयामत तक छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, इसे आप कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।